सोनभद्र में आबादी कम होने की वजह से यहाँ पर अभी तक केवल 8 विकास खंडों का निर्माण हुआ है। इसकी वजह से लोगों को विकास खंड पर जाने के लिए 30 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करना पड़ता है। पूर्ति सरकार ने विकास खंडों के निर्माण के लिए स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन 2 साल पहले शिलान्यास होने के बावजूद आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। ये सरकार की निष्क्रियता का परिणाम है। हमने ब्लॉक का वो गजट करा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उसके कार्यालय का शिलान्यास हो गया। आदमी आज भी 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर के खोरावल ब्लॉक में तब अपना ब्लॉक का काम निपटा पा रहा है। तत्क्रम में शासन में 1 सितंबर में बैठक हुई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि चूंकि अभी आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण भी नहीं हुआ है और अभी स्टाफ की भी अनुपलब्धता है, तो इस के मद्देनज़र उन्होंने अभी फिलहाल कुछ समय के लिए नए विकास खंडों में कार्यवाही का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है।